नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए पजल टेस्ट पहली परीक्षण का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने ISRS के लिए पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ाया था। अब जो एग्जांपल बचे हुए हैं उसमें वो पार्ट सेकंड आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल 17 एग्जाम्पल मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको कराए थे और आज 18 से मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, 18 से लेके और 22 तक का प्रश्न बोर्ड पे लिखा है निर्देश। पूरी क्लास उस निर्देश को पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। इसमें कह रहा है पांच विषय जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, सांख्यिकी, अंग्रेजी और गणित पर एक सप्ताह में सोमवार से शुरू तक तिथित व्याख्यानों का इंतजाम किया जा सकता है। प्रत्येक दिन केवल एक व्याख्यान का इंतजाम करना है। अर्थशास्त्र को मंगलवार को अनुचित नहीं किया जा सकता। इतिहास का अतिथि प्राध्यापक केवल मंगलवार को उपलब्ध है और गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के ठीक अगले दिन अनुसूचित करना है। अंग्रेजी का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान वाले दिन के ठीक एक दिन पहले अनुसूचित करना है। तो देखिए भाई, ये निर्देश मैं पढ़ चुका हूँ, अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे अपन। एक बात समझ में आ रही है इसमें कि पांच व्याख्यान के नाम है, सोमवार से शुक्रवार की बात कर रहा है। तो देखिए, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, ठीक है। इनमें आपको जिस विषय के प्राध्यापक हैं, जिस बार को आ रहे हैं, उसके नाम लिखने हैं। यहां मैंने उनकी जगह बना दी है, ठीक है। क्या लिखा है कि अर्थशास्त्र मंगलवार को नहीं है, मना कर रहा है, अर्थशास्त्र यहाँ नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। इतिहास का प्राध्यापक केवल मंगलवार को उपलब्ध है, तो यहाँ आ जाएगा इतिहास का प्राध्यापक, ठीक है, मंगलवार को। गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के ठीक अगले दिन, अर्थशास्त्र के अगले दिन गणित का व्याख्यान, यहाँ लिख दिया अलग से, बाद में देखेंगे। अंग्रेजी का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान वाले दिन के ठीक एक दिन पहले, यहां अंग्रेजी, तो लाइन से लिख देते हैं, एक तो अंग्रेजी यहां आ गई है, यहां अर्थशास्त्र आ जाएगा और यहां आ जाएगा गणित, तो सांख्यिकी बचा है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा बचा है? सांख्यिकी बचा है, देखिए, सांख्यिकी, ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपने सांख्यिकी इधर, ये आ गया, ये लिस्ट बन चुकी है। इससे रिलेटेड पांच एग्जाम्पल पूछेगा, उनके आंसर देने। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल 18 नंबर का है, पूरी क्लास देखिए, बोर्ड पे लिखा है, पूछा है सोमवार को कौन सा व्याख्यान सुनिश्चित है। सोमवार को कौन सा है भाई? सांख्यिकी। ऑप्शन को देख के डी आंसर 18 का उत्तर आएगा। 19 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है, पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है कि सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में कौन सा व्याख्यान है। सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में कौन सा व्याख्यान दिखाई दे रहा है? इतिहास का। ऑप्शन को देख के बी आंसर इसका आएगा। ये था अपना 19 नंबर। इसके बाद 20 नंबर बोर्ड पे लिखा है, पढ़िए। 20 में कह रहा है सप्ताह में कौन सा व्याख्यान अंतिम है। अंतिम कौन सा है भाई? गणित। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर आएगा। ये प्रश्न था IAS सन 2012 में पूछा हुआ, ठीक है, लिखा है, देख लो, IAS 2012। बुधवार को कौन सा व्याख्यान सुनिश्चित है? बुधवार को व्याख्यान जो आएगा वो आएगा अंग्रेजी का। ये 21 नंबर का प्रश्न था, बुधवार लिखा हुआ है, देखो 21 नंबर, बुधवार को कौन सा व्याख्यान सुनिश्चित है? तो बुधवार को जो सुनिश्चित है वह अंग्रेजी का व्याख्यान है, आंसर आएगा सी ऑप्शन। और अब बोर्ड पे 22 नंबर का प्रश्न लिखा है, देखिए, इसमें पूछा है गणित के व्याख्यान के पहले दिन कौन सा व्याख्यान आएगा? गणित के पहले दिन अर्थशास्त्र का व्याख्यान आएगा। ऑप्शन को देख के ए आंसर इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मित्रों, निर्देश लिखा है 23 से और 26 के लिए। क्या लिखा है? नीचे दिया गया है विवरण अगले चार प्रश्नांशों के संबंध में। अमित एक पत्रिका खरीदना चाहता है, उसे चुनने के लिए चार पत्रिकाएं उपलब्ध हैं जो चार विषय राजनीति, खेल, विज्ञान और फिल्मों पर हैं। ये पत्रिकाएं फिरोज, गुरबख्श स्वामी और इला अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं द्वारा संपादित की गई हैं।
ये पत्रिकाएं आर्यन, भरत, चरण तथा देव प्रकाशक अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं द्वारा प्रकाशित की गई हैं, यह भी दिया गया है। ठीक है भाई, ये निर्देश है, इसके पॉइंट हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग पहले में लिख रहा है कि देव प्रकाशक ने फिरोज द्वारा संपादित पत्रिकाओं को प्रकाशित किया है। राजनीति के विषय में पत्रिका आर्यन प्रकाशन ने प्रकाशित की है। फिल्मों के विषय में पत्रिका स्वामी ने संपादित की है और उसे चरण ने प्रकाशित किया है। और लास्ट में कह रहा है विज्ञान के विषय में पत्रिका का संपादक ईला ने किया है। अगले चार प्रशांतों के लिए प्रत्येक का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब यहाँ ये IAS सन 2004 में पूछा हुआ पजल का एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करने के लिए पूरी क्लास सुनिए। सबसे पहले तो आपको इसमें जो यहाँ पर नाम लिखने पड़ेंगे वो हैं कौन कौन से, देखिए। एक तो यहाँ पर ये पत्रिकाएं नाम है फिरोज, फिरोज, एक गुरुबख्श, फिरोज, गुरुबख्श, स्वामी और ईला, ये हैं। क्लियर है? और ये पत्रिकाएं गुरुबख्श, स्वामी, ईला अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है। संपादित की गई पत्रिकाएं, एक तो ये हैं भैया संपादक, ये तो हैं क्या संपादक, एक लिस्ट बनेगी प्रकाशक की और एक लिस्ट बनेगी विषय, एक लिस्ट बनेगी विषय की, ये तीन लिस्ट बनेगी। इनको कंप्लीट करके फिर हमको आंसर देने हैं। ठीक है, क्या लिखा है? पहली लाइन, देव प्रकाशक ने फिरोज द्वारा संपादित पत्रिका को प्रकाशित किया है, तो यहां तो आ जाएगा देव। फिर लिखा है राजनीति विषय में आर्यन, तो यहां लिख देता हूं राजनीति आर्यन। ठीक है, ये दोनों एक साथ आएंगे, बाद में देखेंगे। फिर लिखा है फिल्मों के विषय में स्वामी, फिल्म विषय में, फिल्मों के विषय में स्वामी ने संपादित की है और उसे चरण ने प्रकाशित नहीं किया है। मना कर रहा है कि स्वामी पे चरण नहीं आना चाहिए प्रकाशक, इसको कैंसिल करेंगे। विज्ञान के विषय में ईला, विज्ञान विषय में ईला, क्लियर है? अब एक चीज याद रखो कि ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, यहां आ सकते हैं, तो यहां तो आ जाएगी राजनीति, राजनीति, और इसमें आ जाएगा आर्यन, और यहां पर चरण की मना है तो चरण तो यहां आ जाएगा, और प्रकाशक कौन सा बचा है भरत, ये यहां आ जाएगा। ये सारी लिस्ट आंखों के सामने है। अब पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं 23 नंबर का, बोर्ड पे लिखा है, पूरी क्लास देखिए। 23 नंबर में कह रहा है विज्ञान के विषय में पत्रिका किसने प्रकाशित की है। विज्ञान के विषय में पत्रिका चरण ने प्रकाशित की है। ऑप्शन को देखकर आंसर आएगा सी ऑप्शन, चरण प्रकाशक। क्लियर है? इसके बाद में 24 नंबर का प्रश्न बोर्ड पे है, आप पढ़िए। लिखा है खेलों के विषय में पत्रिका जो है खेल, तो खेल बचा है तो खेल तो यहीं आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ खेल लिख देंगे। खेल के विषय में जो पत्रिका है वो किसने, पहला फिरोज द्वारा संपादित की गई है, बिल्कुल सही बात है। गुरुबख्श गलत, भरत गलत, चरण गलत, तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन 24 नंबर का। इसके बाद में 25 नंबर का प्रश्न है, फिल्म के विषय में लिखा हुआ है, देख लो 25, फिल्म के विषय में पत्रिका किसने प्रकाशित की है, तो फिल्म के विषय में पत्रिका जो है वो भरत ने प्रकाशित की है, स्वामी संपादक है, तो बी ऑप्शन आएगा, भरत प्रकाशक ने प्रकाशित की है, बी ऑप्शन लिखा हुआ है। 25 का उत्तर आएगा बी ऑप्शन। अब लास्ट प्रश्न है इसके ऊपर 26 नंबर का, राजनीति के विषय में पत्रिका किसने संपादित की है या प्रकाशित की है, राजनीति आर्यन ने तो प्रकाशित की है और गुरुबख्श ने संपादित की है, तो पहला तो गलत है, दूसरा गुरुबख्श ने संपादित किया है, परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन प्रश्न नंबर 26 का। IAS 2004 में पूछा हुआ ये पजल का एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल ये थी। देखिए भाई 27 से 29 नंबर का प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पढ़ रहा हूँ मैं। पी और क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं,
आर और पी बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं, एस क्यू वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, और आर एस टी बेसबॉल और फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। ठीक है, ये निर्देश है, इससे रिलेटेड तीन एग्जाम्पल पूछे गए हैं। सबसे पहले इसमें एक बात क्लियर आ रही है कि यहाँ पर जो नाम लिखे हैं 27 से 29 नंबर का, ये निर्देश है, इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि एक तो पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस और टी पांच हैं ये। ठीक है भाई, पी क्यू आर एस टी ये पांच हैं। अगर अपन खेल की बात कर रहे हैं तो खेल कौन कौन से दे रखते हैं, एक तो वॉलीबॉल दे रखा है, वॉलीबॉल, एक तो वॉलीबॉल की लिस्ट आएगी इसमें, एक आएगी हॉकी की लिस्ट, हॉकी, एक हॉकी की लिस्ट आएगी, और एक आएगी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट, क्रिकेट की आएगी एक लिस्ट इसमें, खेल में क्रिकेट के अलावा बेसबॉल और फुटबॉल, एक आएगा बेसबॉल, और लास्ट में अंतिम में आएगा फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, ये लिस्ट बनेगी, जो जो अच्छा खेलता है उस पर टिक कर देना, और जो अच्छा नहीं खेलता उस पर क्रॉस कर देना, उसके हिसाब से सभी के आंसर आ जाएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, नहीं, स्टार्टिंग निर्देश में लिखा है, देखो कि पी और क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं, पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी दोनों पे टिक कर दिया, वॉलीबॉल और हॉकी पे। ठीक है, आर और पी बेसबॉल हॉकी अच्छा खेलते हैं, आर पी बेसबॉल और हॉकी, बेसबॉल और हॉकी, हॉकी और बेसबॉल। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है क्यू एस और क्यू वॉलीबॉल क्रिकेट, एस और क्यू वॉलीबॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल क्रिकेट, एस क्यू आर एस टी बेसबॉल फुटबॉल, बेसबॉल फुटबॉल आर एस टी, बेसबॉल फुटबॉल, बेसबॉल फुटबॉल आर एस टी, क्लियर है। अब पहला प्रश्न है 27 नंबर का, 27 नंबर का पहला प्रश्न है, पूरी क्लास देखिए कि इसमें कह रहा है इन पांचों खिलाड़ियों में से चार खेल अच्छा कौन खेलता है, चार खेल अच्छा कौन खेलता है, चार खेल इसी पे टिक हो रहे हैं और वो कौन है, एस, ऑप्शन को देख के परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन आएगा प्रश्न नंबर 27 का। अब मैं 28 पे आ रहा हूं, हॉकी बेसबॉल वॉलीबॉल और बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है, हॉकी वॉलीबॉल और बेसबॉल, हॉकी वॉलीबॉल, हॉकी हॉकी वॉलीबॉल और बेसबॉल, वॉलीबॉल हॉकी और बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है, पी अच्छा खेलता है, तो आंसर आएगा इसका पी, ऑप्शन आएगा बी। प्रश्न नंबर इसमें 29 नंबर का जो प्रश्न है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी क्लास देख लीजिए, हॉकी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, तो हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट, हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट ये क्यों अच्छा खेलता है, तो ऑप्शन को देख के परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी क्लास देख लीजिए सभी। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई के समूह में एक टेनिस खेलता है, एक शतरंज खेलता है और एक हॉकी खेलता है, ए और डी अविवाहित महिलाएं हैं और वे कोई भी खेल नहीं खेलती हैं, उनके बीच एक दंपत्ति भी है जिनमें ई पति है सी का, कोई भी महिला शतरंज या हॉकी नहीं खेलती है, बी भाई है सी का और वह टेनिस, ना तो टेनिस खेलता है ना ही शतरंज खेलता है, तो बताइए हॉकी कौन खेलता है। इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखिए पांच व्यक्ति हैं, नाम क्या लिखे हैं, ए बी सी डी ई, क्लियर है, ए बी सी डी ई, इसके बाद में अविवाहित महिला हैं तो एक लिस्ट बनेगी मेल फीमेल की और एक लिस्ट बनेगी इसमें खेल की, तीन लिस्ट टोटल बनेंगी, इसके हिसाब से फिर आपको इसमें
इसको कंप्लीट करते हुए जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया था हॉकी कौन खेलता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है ए और डी अविवाहित महिला हैं, ए और डी अविवाहित महिला हैं, फीमेल लिख दिया मैंने, क्लियर है, और वह कोई भी खेल नहीं खेलती हैं, इसका मतलब क्रॉस खेल नहीं खेलेंगी दोनों। ठीक है, उनके बीच विवाहित दंपत्ति है जिनमें से ई पति है सी का, ई पति है मेल और किसका है सी का, ये फीमेल, यहां लिख दिया पति, क्लियर है, और कोई भी महिला शतरंज और हॉकी नहीं खेलती है, ये महिला शतरंज हॉकी नहीं खेलती है, तीन ही खेलते हैं स्टार्टिंग में, शतरंज हॉकी नहीं खेलती है तो क्या खेलती है फिर, टेनिस खेलती है, इसको टेनिस खिला दीजिए, टेनिस। अब कह रहा है बी भाई है सी का मेल, बी भाई है किसका सी का भाई, बी भाई है सी का, और वह ना तो टेनिस खेलता है ना शतरंज खेलता है, तो इसका मतलब क्या खेलता है, ये हॉकी खेलता है और ये क्या खेलेगा, शतरंज खेलेगा, क्लियर है भाई, आपसे पूछा है तो इनमें से हॉकी कौन खेलता है, तो हॉकी कौन खेलता है, बी खेलता है, ऑप्शन को देख के परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। देख ली भाई, अगला निर्देश है आईएएस सन 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या लिखा है कि गोपाल हर्ष इंदर जय और कृष्णन के स्वयनगर अहमदाबाद भोपाल कटक दिल्ली एर्नाकुलम, अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, वे इतिहास अर्थशास्त्र वाणिज्य चिकित्सा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, पांचों लड़के में से कोई भी अपने स्वयनगर में नहीं पढ़ रहा है परंतु प्रत्येक लड़का उपयुक्त नगरों में से एक में पढ़ रहा है, निम्नलिखित भी दिया गया है, कह रहा है गोपाल का स्वयनगर एर्नाकुलम है, हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, इंदर का स्वयनगर कटक है, कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है और जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वयनगर अहमदाबाद में स्थित है, इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है, क्लियर है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ इस पजल को पढ़ के एक बात समझ में आ रही है कि नाम है पाँच, पाँच नाम कौन कौन से, देखिए एक तो नाम है गोपाल, गोपाल, एक है हर्ष, गोपाल हर्ष, एक है इंदर, इंदर, और एक है जया और एक है कृष्णन, ये पांच नाम है, एक तो लिस्ट बनेगी इनके स्वयनगर जहां ये पैदा हुए हैं और एक लिस्ट बनेगी शहर जहां ये पढ़ने गए हैं और एक लिस्ट बनेगी इनके सब्जेक्ट की। ठीक है भाई, एक लिस्ट बनेगी इनके कॉलेज की, कॉलेज की, ये पूरा करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल है और आज तक की आईएएस में आई हुई सबसे कठिन पजल यही है, क्लियर है। क्या लिखा है, गोपाल का स्वयनगर एर्नाकुलम है, स्वयनगर गोपाल एर्नाकुलम, ठीक है, हर्ष अहमदाबाद भोपाल में नहीं पढ़ रहा, हर्ष अहमदाबाद भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, मना कर देते हैं अहमदाबाद की और भोपाल की, अहमदाबाद भोपाल में नहीं पढ़ेगा, देख लेंगे, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, अलग से लिख देता हूं, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, इंदर का स्वयनगर कटक है, इंदर का स्वयनगर कौन सा है, कटक, इंदर का स्वयनगर कटक है, कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है, शहर दिल्ली, कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है, जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है और इसका इतिहास कॉलेज उसके स्वयनगर अहमदाबाद में स्थित है, इसका मतलब इतिहास तो यहाँ आएगा और अहमदाबाद यहाँ आएगा, क्लियर है। अब पूरी क्लास देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है, स्वयनगर के हिसाब से देखना है, इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है तो यहाँ आ जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है, और अर्थशास्त्र भोपाल में स्थित है,
अर्थशास्त्र जो है वो भोपाल में स्थित है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि कोई भी अपने स्वयनगर में नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब शहर और स्वयनगर समान नहीं होने चाहिए। अहमदाबाद भोपाल में हर्ष नहीं पढ़ता है तो अहमदाबाद भोपाल यहाँ नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और जब यहाँ अहमदाबाद भोपाल नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा, कटक, कटक ही बचा है। अरे एर्नाकुलम दिल्ली आ चुका है, अहमदाबाद भोपाल की बनाए तो क्या आएगा, कटक। तो यहाँ तो लिख दिया मैंने कटक, और यहाँ ऑब्लिक में आ जाएंगे अहमदाबाद और भोपाल, ऑब्लिक में आएंगे ये, ठीक है। यहाँ भी अहमदाबाद और भोपाल, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, दिल्ली, यहाँ दिल्ली नहीं आ चुका, आ सकता तो दिल्ली यहाँ आएगा फिर, और बचा कौन सा है, भोपाल, भोपाल आ जाएगा यहाँ पर। भोपाल में कौन सा कॉलेज बता रहा है, अर्थशास्त्र बता रहा है, तो अर्थशास्त्र यहाँ आ जाएगा। अब वाणिज्य और चिकित्सा बचे हैं कॉलेज, वाणिज्य चिकित्सा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो ऑब्लिक में लिखना पड़ेगा आपको, कैसे देखिए, वाणिज्य ऑब्लिक चिकित्सा, वाणिज्य ऑब्लिक चिकित्सा, ये लिस्ट बनेगी। पूरी क्लास एक बार देख लो, फिर मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल पूछूंगा। फटाफट देखो इस लिस्ट को, इस सारणी को जल्दी से देख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल जो पूछे हैं मैं फिर दूंगा आंसर। अब देखिए, इससे रिलेटेड पहला एग्जांपल है, कृष्णन का स्वयनगर कौन सा है। कृष्णन का स्वयनगर जो है वो कौन सा है, भोपाल है। ऑप्शन को देख के परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। इसी से रिलेटेड अगला एग्जांपल लिखा हुआ है कि इंदर के स्वयनगर कौन सा कॉलेज स्थित है। इंदर के स्वयनगर में कौन सा कॉलेज उपस्थित है, वाणिज्य और चिकित्सा। ऑप्शन को देखकर परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। इसी से रिलेटेड अगला एग्जांपल पूछ रहा है कि भोपाल में कौन पढ़ रहा है, तो भोपाल में कौन पढ़ रहा है आपको यह पता करना है। तो भोपाल में इंदर और गोपाल दोनों पढ़ रहे हैं, गोपाल और इंदर, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई। इससे रिलेटेड अगला एग्जांपल है कि यदि इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा है, इंदर की क्लियर कर दी, अहमदाबाद में पढ़ रहा है तो कौन सा समूह सही है, गोपाल एर्नाकुलम दिल्ली, गोपाल एर्नाकुलम दिल्ली गलत है, जय अहमदाबाद एर्नाकुलम बी ऑप्शन, जय अहमदाबाद एर्नाकुलम गलत है भाई, सी ऑप्शन कृष्णन दिल्ली एर्नाकुलम, कृष्णन दिल्ली एर्नाकुलम गलत है, हर्ष भोपाल और दिल्ली। इसमें से क्या पूछा है कि यदि इंदर का स्वयनगर, इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा है, इंदर अहमदाबाद में पढ़ेगा तो गोपाल पढ़ेगा भोपाल में, क्लियर है, गोपाल पढ़ेगा भोपाल में, ए ऑप्शन गलत है, जय अहमदाबाद एर्नाकुलम। ये यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट है, परफेक्ट आंसर लिस्ट को देख के, जय एर्नाकुलम अहमदाबाद, ये बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। और इससे रिलेटेड अगला एग्जाम्पल है, बोर्ड पे लिखा है देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, गोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जय इतिहास, ठीक है, कृष्णन अर्थशास्त्र, ठीक है, ये सभी, परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, ये सभी। तो ये कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए सभी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बोर्ड पे लिखा हुआ है, 5 लोगों के समूह में के, एल और एम महत्वाकांक्षी हैं, एम एन आर ईमानदार हैं, एल एम एन बुद्धिमान और के एन आर अध्ययवासी हैं, इनमें से कौन से व्यक्ति जो ना तो अध्ययवासी हैं ना ही महत्वाकांक्षी होंगे, वह कौन से हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, 5 के नाम क्या हैं, 5 के जो नाम हैं वो हैं के, एल, एम, एन और आर, क्लियर है, ये नाम है 5। और इन 5 नाम के साथ साथ में एक तो क्या लिखा है, महत्वाकांक्षी, एक तो लिस्ट महत्वाकांक्षी की बनेगी, एक लिस्ट बनेगी आपके ईमानदार की,
एक लिस्ट बनेगी इसमें बुद्धिमान की, और एक लिस्ट बनेगी आपके अध्यवासी की। ये लिस्ट बनेगी, क्लियर है? अब पूरी क्लास देखिए क्या लिखा है। के एल एम महत्वाकांक्षी हैं, एम एन आर ईमानदार हैं, एल एम एन बुद्धिमान हैं, और कह रहा है कि के एन आर अध्यवासी हैं। आपसे पूछा है कि जो ना तो अध्यवासी है ना महत्वाकांक्षी है, ना तो अध्यवासी है और ना ही महत्वाकांक्षी है। अध्यवासी ये रहा, महत्वाकांक्षी खाली है ही नहीं, तो ऐसा कोई होगा ही नहीं। आंसर ऑप्शन को देख के आओगे, कोई नहीं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऐसे होगा। ये पजल का एक सेट है, देखिए निर्देश पे लिखा हुआ है कि सचिन, राहुल, वीरेंद्र, अनिल एवं ईशांत नाल रीरी काली सफ़ेद भूरी पैंट पहने हुए हैं, क्रम इसी क्रम में नहीं। कोई भी एक जैसी रंग की पैंट और टोपी नहीं पहनता है, सभी पैंटों के रंग और टोपियां अलग अलग हैं, पांचों एक एक सामान बैट बॉल स्टंप ग्लव्स एवं पैड्स ले जा रहे हैं। यह भी दिया गया है कि सचिन भूरी टोपी पहने है, ईशांत की पैंट का रंग नीला या लाल नहीं है, ग्लव्स उसके द्वारा ले जाए जा रहे हैं जो नीली पैंट पहनता है, राहुल सफ़ेद टोपी पहनता है, वीरेंद्र काली पैंट पहनता है, अनिल लाल टोपी भूरी पैंट पहने हैं, जो लाल पैंट पहने हैं वह पैट्स ले जा रहा है, जो भूरी पैंट पहने हैं वह बैट ले जा रहा है। IAS 2005 में पूछा हुआ ये एग्जाम्पल है और मैं इसको बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आप सभी नाम लिखे हुए हैं, क्या क्या नाम है देखिए, सचिन, राहुल, वीरेंद्र, अनिल और ईशांत। ठीक है, अब एक तो आपको इनको टोपी पहनानी है, टोपी, और एक आपको इनको पैंट पहनाने हैं, और सामान को साथ लेके जाते हैं, एक लिस्ट आएगी सामान, टोपी पैंट और सामान। ठीक है भाई, लिखा है सचिन भूरी टोपी पहनता है, सचिन जो है वो भूरी टोपी पहनता है, ईशांत की पैंट का रंग नीला या लाल नहीं है, मना कर रहा है, नीली पैंट नहीं पहनेगा और एक लाल पैंट नहीं पहनेगा। ठीक है, ग्लव्स उसके द्वारा ले जाए जा रहे हैं जो नीली पैंट पहनता है, बाद में लेंगे, राहुल सफेद टोपी पहनता है, वीरेंद्र काली पैंट पहनता है, जो लाल पैंट पहनता है वह पैट्स ले जाता है, बाद में लेंगे, जो भूरी पैंट पहनता है वह बैट ले जाता है, भूरी पैंट पहनता है बैट ले जाता है, तो अनिल की लाल टोपी और भूरी पैंट वाला क्या ले जाता है, बैट ले जाता है। ये लाइन लिखी हुई है। अब पूरी क्लास देखिए, कोई भी समान रंग की टोपी या पैंट नहीं पहनता है। जब काली पैंट वीरेंद्र ने पहन रखी है तो क्या काली टोपी पहन सकता है, ये नहीं। कौन पहनेगा काली टोपी, ईशांत, और इसमें वीरेंद्र के लिए जो रंग बचेगा वो कौन सा रंग बचेगा, सफेद बचेगा, क्लियर है। ईशांत नीली और लाल पैंट पहनेगा नहीं, और काली भूरी को मैं पहनने दूंगा नहीं, तो जो बची है वही पहनेगा पैंट, कौन सी बची है, सफेद पैंट बची है। ठीक है भाई, और नीली और लाल पैंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हम एग्जाम में जबरदस्ती करते हैं कि राहुल पे नीली अच्छी लगेगी और सचिन पे लाल अच्छी लगेगी, हमें नहीं पता है किस पे कौन सी अच्छी लगेगी। जब भी जानकारी नहीं दी हो ऑब्लिक में लिखना पड़ता है ऐसे कि नीली पहन ले या लाल पहन ले, क्लियर है।
नीली पैंट वाला ग्लव्स और लाल पैंट वाला पैड्स, ऑब्लिक में आएंगे ये भी, ग्लव्स और पैड्स, ग्लव्स और पैड्स, ठीक है भाई। स्टम्प्स और बॉल, स्टम्प्स और बॉल ये भी ऑब्लिक में आएंगे, स्टम्प्स और बॉल ये भी ऑब्लिक में आएंगे। ये पूरा चार्ट तैयार है, इससे रिलेटेड पहला एग्जांपल पूछा है। देखिए, बीरेंद्र की टोपी का रंग क्या है, लिखा है प्रश्न में, बीरेंद्र की टोपी का रंग क्या है, बीरेंद्र की टोपी का रंग है सफेद, परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। अगला एग्जांपल है, जो सफेद पैंट पहनता है वह कौन सा सामान ले जा रहा है, जो सफेद पैंट पहनता है वह कौन सा सामान ले जाता है, स्टंप्स और बॉल, ऑप्शन को देखकर आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल बोर्ड पे है कि नीली पैंट कौन पहनता है, नीली पैंट पहनता है या तो सचिन या राहुल, ऑप्शन को देखकर आएगा आपके सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि राहुल लाल पैंट पहनता है तो कौन सी बात सही है, राहुल लाल पहनता है तो सचिन भूरी पहन नीली पहनेगा, है ना, देख लेते हैं, सचिन भूरी टोपी काली पैंट, सचिन भूरी टोपी काली पैंट गलत, अनिल लाल टोपी नीली पैंट, अनिल लाल टोपी नीली पैंट गलत, बीरेंद्र नीली टोपी भूरी पैंट, नीली टोपी भूरी पैंट गलत, ईशांत काली टोपी सफेद पैंट बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है इसका। पूरी क्लास देख लीजिए। देखिए भाई, बोर्ड पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आईएएस सन 2017 में पूछा हुआ है कि 6 स्त्रियां हैं एक समूह में, 4 टेनिस की खिलाड़ी हैं, 4 समाजशास्त्र में स्नातक हैं और 1 वाणिज्य में स्नातक है, 3 बैंक कर्मचारी हैं, बिमला और कमला बैंक कर्मचारी हैं, जबकि अमला और कोमल बेरोजगार हैं, कोमल और निर्मला टेनिस खिलाड़ी हैं, अमला कमला कोमल और निर्मला समाजशास्त्र में स्नातक हैं, जिनमें से 2 बैंक कर्मचारी हैं, ठीक है भाई, और यदि श्यामला वाणिज्य से स्नातक है और उनमें से कौन टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों हैं, ये पूछा गया है। चलिए नाम लिखते हैं, 6 महिलाओं के जो नाम हैं, स्त्रियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो, एक तो बिमला, बिमला कमला, बिमला कमला और अमला, तीन हो गई, बिमला कमला अमला कोमल, कोमल हो गई एक, है ना, एक निर्मला, निर्मला और एक श्यामला, श्यामला, लो भाई 6 स्त्रियां हैं, और इन 6 स्त्रियों के बारे में ये लिखा हुआ है कि बैंक कर्मचारी, एक तो यहां लिस्ट लिख देते हैं, एक तो बैंक कर्मचारी और एक लिस्ट आएगी स्नातकोत्तर, ठीक है, एक लिस्ट आएगी खेल की, खेल, और अपन देखते हैं क्या क्या है ना, इतना तो समझ में आ ही रहा है इसमें। देखिए, पहले लिखा है बिमला और कमला बैंक कर्मचारी हैं, बिमला और कमला बैंक कर्मचारी हैं, बैंक और बैंक, ठीक है, जबकि अमला कोमल बेरोजगार हैं, अमला कोमल बेरोजगार, तो यहां लिख देता हूं बेरोजगार, बेरोजगार, ठीक है, कोमल और निर्मला टेनिस खिलाड़ी हैं, कोमल और निर्मला टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस, टेनिस खिलाड़ी, ठीक है, टेनिस की खिलाड़ी हैं, अमला कोमल कमला और निर्मला समाजशास्त्र में स्नातक हैं, अच्छा एक तो अमला समाजशास्त्र में, अमला कमला कोमल समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र में, ठीक है, और एक निर्मला समाजशास्त्र में, ठीक है, और जिनमें से 2 बैंक कर्मचारी हैं, जिनमें से 2 बैंक कर्मचारी हैं, ये तो है, इसको और बना दो बैंक कर्मचारी लो, ठीक है, 2 बैंक कर्मचारी हैं, यदि श्यामला वाणिज्य से स्नातक है, वाणिज्य, वाणिज्य, ठीक है, तो अब एक लाइन और थी इसमें स्नातक वाली,
छह स्त्रियाएं चार समाजशास्त्र में हो गई हैं, एक वाणिज्य में हो गई है, ठीक है, एक वाणिज्य में हो गई है, चार समाजशास्त्र में, एक वाणिज्य में, तीन बैंक कर्मचारी हैं, एक दो तीन बैंक कर्मचारी भी हो गई हैं, और ये पूरी डिटेल है। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन टेनिस खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों है। टेनिस खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों कौन सी है? निर्मला, ऑप्शन को देख के परफेक्ट आंसर आएगा, सी ऑप्शन, आईएएस सन 2017 का एग्जांपल है। और ये पूरी क्लास देखो एक बार, फिर मैं बात करता हूँ आगे, उत्तर आएगा निर्मला। तो ये पजल टेस्ट का पार्ट सेकंड है। पजल टेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल आईएएस में आते हैं, आरएएस में आते हैं, अभी आरएएस मेंस वाले भी पजल टेस्ट के एग्जांपल अगले सेशन में आपको कराऊंगा। इसके टोटल मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है पजल को, आज मैंने सिर्फ थर्ड सेकंड पोर्शन इसका मैंने कराया है। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम, साहब।